जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, मोर पंख के चमत्कारी फायदे। मोर पंख जिस घर में होता है वहाँ दैवीय शक्तियों के शुभ प्रभाव देखने के लिए मिलते हैं। मोर पंख को सिरहाने रखने के क्या लाभ है? व्यापार के लिए कहाँ रखें, नौकरी के लिए कहाँ रखें, नजर दोष से बचने के लिए क्या कहाँ रखें, किस प्रकार मोर पंख का हम इस्तेमाल करें, आज की वीडियो में समझ जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बुरी नजर को दूर करने के लिए मोर पंख का महत्वपूर्ण योगदान है। मोर पंख यदि हम घर के मंदिर में रखते हैं तो हमें भक्ति की शक्ति मिलती है, यानी कि हम जितनी पूजा करते हैं उसकी वाइब्रेशंस जो हैं चारों ओर सकारात्मकता फैलाती हैं, नेगेटिविटी दूर होती है, नज़र दोष से बचाता है मोरपंख। यदि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है या मानसिक तनाव में है, परेशानी में है, तो उसके सिरहाने तकिए के नीचे मोर का पंख रख देना बहुत लाभदायक होता है। मोर का पंख तकिए के नीचे रखने से सुख समृद्धि का भी वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, सुख समृद्धि का वैभव का आगमन होता है। मोर पंख में दैवीय शक्तियों का वास माना जाता है, हमें उनका शुभ आशीष प्राप्त होता है। नजर दोष टोना टोटका भी उस घर पर काम नहीं करता है जहाँ मोर पंख रखा जाए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर मोर पंख, जो मोर पंख होते हैं उनका एक पंखा भी मिलता है बाजार में बना हुआ, नहीं तो आपके पास मोर पंख है तो दो चार मोर पंखों को इकट्ठा कर लीजिए तो पंखा टाइप बन जाता है। उस व्यक्ति पर उस पंखे से हवा करिए, उसके आसपास से जो नेगेटिविटी, यानी कि अगर जो उसको दवाई नहीं लग रही है या परेशानी है, वो भी दूर होनी प्रारंभ हो जाती है। अगर नौकरी में कहीं बाधा है तो आप अपने पर्स में एक छोटा सा मोरपंख रखकर लेकर जाइए, अब अगर इंटरव्यू में जाते हैं तो भी, और नहीं तो अपने पर्स में अपने पास रखिए। यदि व्यापार में कहीं परेशानी है तो आपके गले में एक मोरपंख होना चाहिए, गले में ज़रूर मोरपंख रखिएगा, आप देखिएगा कि बरकत कितनी होगी। जो ग्राहक पलट कर नहीं आते वो आएंगे ज़रूर, और जो आकर बैठ जाएगा वहाँ वो डील करके जाएगा ज़रूर। इतनी महिमा है मोरपंख की। यदि आपके घर में दवाओं का बहुत खर्चा है तो जो दवाइयाँ आप रखते हैं, दवाइयों का जो डब्बा है, उस डब्बे में एक मोरपंख रखिए, धीरे धीरे दवाइयों पर होने वाला खर्चा स्वतः खत्म होना प्रारंभ हो जाएगा। तो मैंने छोटे छोटे मोरपंख के आपको बताया कि कहाँ रखें, दवाइयों के डब्बे में रखें, दवाओं पर खर्चा कम हो जाएगा, व्यापार में गले में रखें, नौकरी के लिए पर्स में रखें, और सुख समृद्धि के लिए, मानसिक परेशानियों के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सुख समृद्धि वैभव को लाने के लिए आप सिरहाने मोरपंख रखें, तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोइए। आप ये देखेंगे कि भगवान, ऐसे लगेगा उनकी छत्र छाया में आप सो रहे हैं, भगवान का शुभ आशीष आपके ऊपर बरस रहा है। इतना दिव्य और चमत्कारी है मोरपंख। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी, और मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करेगा।